हेलो स्टूडेंट्स, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक नया मैं सीरीज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज टेस्ट सीरीज नंबर वन। ये पहला टेस्ट सीरीज है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएस एंड जीके का इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, ऑल प्रीवियस ईयर। इस टेस्ट सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। अगर आपका 10 क्वेश्चंस इसमें करेक्ट होता है तो यू आर एट गुड पोजिशन, मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर BPSC 67 जो आने वाली है, RRB, NTPC, SSC, CGS, CHSL, रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन नाउ चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्टोरेज स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन। ठीक है, वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन किसे कहा जाता है। ऑप्शन, चार ऑप्शन है। ओके, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी और सलराजंग म्यूजियम। फोर्थ ऑप्शन है सलारजंग म्यूजियम, किसे का। ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए आपके पास सेकंड है, आप इसका ऑप्शन आंसर दीजिए क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, सलारजंग म्यूजियम को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन। ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन। आपको पता था या नहीं पता, देखिए नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन पता चला। कितनी बार ये एग्जाम पूछा जा चुका है, राइट, SSC में, SSC CPO एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस प्रिंसिपल फिनोमिनन पे बेस्ड वर्क करता है। ओके, ऑप्टिकल फाइबर किस घटना पर आधारित होते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर का होता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इंटरफेरेंस, सेकंड डिस्पर्सन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये देखिए कितनी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिया गया है जो पूछे जा रहे हैं और लगातार ये अभी RRB NTPC चल रही है 2020 वाला, जनवरी में जो चल रहा है अभी, तो उसमें बहुत क्वेश्चन ये सब रिपीटेड आ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर। जो टोटल ऑप्टिकल फाइबर का जो मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट, ऑप्शन फोर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, द क्यूरी पॉइंट हिंदी में, यहाँ हिंदी वाले के लिए देखिए क्वेश्चन है, क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच। ऑप्शन देखिए, मैटर बिकम्स रेडियो एक्टिव, पहला ऑप्शन है, जो मैटर बिकम्स रेडियो एक्टिव, मेटल लूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मेटल लॉसेस कंडक्टिविटी, मतलब जिस टेम्परेचर पे मेटल लूज करे अपना कंडक्टिविटी और ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द मेटल ऑकर्स, किस पे। तो सही इसमें क्या होगा, मेटल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन टू जो है वो सही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए, कुछ देखते रहिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलते हैं द फिनोमिनन ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जो स्काई हमें ब्लू कलर दिखता है वो लाइट के किस फिनोमिनन से। ओके, आकाश के नीले रंग की उपस्थिति के साथ जुड़े हुए घटना, मतलब किस, क्यों, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, मतलब लाइट का किस प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन है इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप अपना आंसर को वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट जब स्कैटर करता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, उसके कारण जो होता है ब्लू स्काई जो होता है, ब्लू अपीयरेंस उसका ब्लू नजर आता है। ओके, ये भी देखिए कितने क्वेश्चन में SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर वन में पूछा जा चुका है। ये सब प्रीवियस ईयर बेहतरीन क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु से बना हुआ होता है, किसका वो बना हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है। ओके, तो ऑप्शन है कॉपर है, निक्रोम है, लीड है, टंजस्टेन है। ओके, ये FCI एग्जाम में, RRB रेलवे का एग्जाम में पूछा चुका है।
ये रेलवे के एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ओके इसको, तो कभी भी जब न्यू वीडियो हमारे चैनल पर रिलीज होगी तो आपको वो लेक्चर का वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा, ओके तो आपको वो मिस नहीं होगा, वो क्वेश्चन वो ठीक कोई भी टॉपिक जो होगा वो मिस नहीं होगा, ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ये टंजस्टेन का बना हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, ऑप्शन 4 टंजस्टेन, ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओके आप प्लीज पॉज कीजिए और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गेस कीजिए, ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द प्यूरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड, द प्यूरिटी जो प्यूरिटी है जो होता है गोल्ड एक्सप्रेस्ड इन कैरेट्स, ओके द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज, गोल्ड का जो सबसे प्योर फॉर्म होता है ना कैरेट में सोने की विविधता व्यक्त होती है, तो सोने का शुद्धतम रूप क्या है, कितना कैरेट होता है, ये देखिए ऑप्शन है फर्स्ट 24 कैरेट, 99.6 कैरेट, 91.6 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट, कौन सा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 24 कैरेट गोल्ड इज कॉल्ड द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। अगला क्वेश्चन ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए ये कब तक पूछा है, SSC 10+2 लेवल जो होता है ना CHSL एग्जाम में भी पूछा चुका है, 2011 में पूछा चुका है, ठीक है, ऑपरेटर LCD एग्जाम में इस जोन का SSC का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है रथ यात्रा जो होता है एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच लॉर्ड, ठीक है, किस भगवान को ऑनर के लिए ये जो रथ यात्रा होती है ये होती है, पहला ऑप्शन है लॉर्ड रामा, सेकेंड लॉर्ड शिवा, थर्ड लॉर्ड जगन्नाथ एंड फोर्थ लॉर्ड विष्णु, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड जगन्नाथ, ओके चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस इज, ये भी बहुत बार रिपीटेडली एग्जाम में आजकल आ रहा है, ये अभी अराउंड 25th जो हुआ RRB NTPC उसमें ये क्वेश्चन आया था, लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस किसे होता है इनमें से, नाइट्रिक ऑक्साइड पहला ऑप्शन है, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, तो ये सही क्या है इसका, लाफिंग गैस किसे बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोला जाता है, ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ओके क्वेश्चन को आप देखते जाइए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, What may be the cause of malfunctioning of thyroid gland? Thyroid gland में जो भी माल मतलब जो भी खराबी होती है किसके कमी से किसके कारण होती है? First option है iodine deficiency, iron deficiency, third option है calcium deficiency और fourth है due to lack of vitamin C. तो इसमें करेक्ट क्या होगा, ये देखिए ऑप्शन कितना, और SSC कंबाइंड ग्रेजुएट CGL में ये पूछा चुका है 2002 में, ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है थायराइड ग्लैंड में, ग्वाइटर उसको बोलते हैं डिजीज को, ओके तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है नाउ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, SSC में CGL का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच इज द ग्लैंड दैट होल्ड्स द बॉडीज थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट मतलब कौन सा ग्लैंड शरीर का मतलब ग्रंथि कौन सी है जो शरीर के थर्मोस्टेट रखती है मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, कौन सा ग्लैंड, थर्मोस्टेट का मतलब वही होता है, तो पीनियल ग्लैंड वाला ऑप्शन है, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड और फोर्थ है हाइपोथैलेमस, ओके ये भी बहुत बार रिपीटेडली अभी इस बार भी पूछा जा चुका है RRB NTPC में, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, ये 4 जो है करेक्ट है, हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर होगा, तो अच्छे से ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, ये देखिए क्वेश्चन, विटामिन सी विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नहीं सॉरी विटामिन विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉट में कौन सा विटामिन मदद करता है, जो विटामिन रक्त थक्के में जमने में मदद करती है, ओके तो देखिए ऑप्शन है विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन बी है, विटामिन के है, तो क्या होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ये भी SSC का RRB में NTPC का एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, रेलवे के और भी डिपार्टमेंट एक दूसरे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर, एज बॉडी बिल्डर किसको, किस इनमें से किसे, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डर कहा जाता है? पहला है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा विटामिन और चौथा फैट्स। किसे कहा जाता है? वो हमें प्रोटीन को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डर। ओके तो ये करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक इसमें इतना ही, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।